नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लूप और मेश एनालिसिस। लूप और मेश एनालिसिस का डिटेल वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं और मैं उसको कार्ट में भी डाल दूंगा, उससे भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे लूप एनालिसिस की मदद से। तो सपोज इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालिए। तो लेट से जो है यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे करंट निकालिए, या यहाँ पे देखें तो आपको कहा जा रहा है कि वी नॉट यहाँ दिखाया गया है, यानी कि वी नॉट निकालिए। तो मान लीजिए आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, जैसा कि कहा गया है, फाइंड वी नॉट यूजिंग लूप एनालिसिस। तो ये वी नॉट का मतलब क्या है? यहाँ का वोल्टेज, यानी कि इस 5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। यानी कि अगर 5 ओम में आपको करंट की वैल्यू पता चल जाए तो बड़े आराम से जो है आप आई इंटू आर का इस्तेमाल करके, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके आप करंट की वैल्यू मिलने पे वी नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें मेनली फोकस क्या करना है, लूप एनालिसिस की मदद से हम करंट की वैल्यू पहले निकाल लें और उसके बाद जो है हम जो है वी नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि सभी लूप में जितने भी यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल लूप्स बन रहे हैं, इन सभी लूप में हम क्या करेंगे, करंट एज्यूम कर लेंगे। और यहाँ पे कोई भी करंट नहीं दी हुई है तो हम अपनी तरफ से जब एज्यूम करना है तो हम कोशिश करेंगे किसी एक डायरेक्शन में करें, या तो हम क्लॉकवाइज करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। तो हम जो है यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इस लूप में करंट मान लिया क्या I1, यहाँ पर करंट क्या मान लिया आपका I2, और यहाँ इस थर्ड लूप को हमने मान लिया कि ये करंट क्या है I3 है। थर्ड लूप कह रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पहला लूप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, आप चाहें तो यहाँ पे I3, यहाँ पे I1, I2, ऐसे कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं करंट के अनुसार, जो हम उसको लूप 1, 2, 3 यहाँ पे बोल लेंगे, थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, करंट मान लिया एक बार, जैसे ही आप करंट एज्यूम कर लेते हैं उसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस जरूर लिख लें। तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस आर है और उसमें करंट एंटर कर रही है आई, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ से एंटर करती है वो प्लस और जहाँ बाहर निकलती है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप जरूर प्लस माइनस लिख लें। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ करंट, देखिए ये I1 है, ऐसे फ्लो कर रही होगी, यानी कि इसमें देखें तो 1 ओम में आपकी यहाँ पे एंटर कर रही होती है, ये प्लस, ये माइनस, फिर यही करंट आगे जाएगी तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस, ये फर्स्ट लूप का हो गया। ऐसे सेकेंड लूप की बात करें तो आप देखिए ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी, तो 6 ओम में यहाँ पे एंटर कर रही होगी प्लस, ये माइनस, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्लस और ये भी माइनस, फिर और आगे आएंगे प्लस और माइनस, इस तरीके से देख लीजिए। तो आपको बस क्या करना है, प्लस इसको फॉलो करना है, आपको प्लस माइनस मिल जाएगा। ऐसे ही थर्ड लूप की बात करें तो आप देखें तो करंट ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर और आगे आएंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो हम देख रहे हैं कि सब जगह प्लस माइनस लिख दिया गया है। अब हमारा काम क्या है, वन बाय वन सभी लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल अप्लाई करते जाएंगे और हमको इक्वेशंस जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो हम फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे और लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से, और आप क्लॉक और क्लॉक वाइज की डायरेक्शन में ही ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा हमें करना होता है, तो आप जब यहाँ से जा रहे हैं तो देखिए तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आएंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आपको ये प्लस से माइनस की तरफ जाएं तो आप हमेशा जो है नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ये हम लोगों ने लूप एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो पिछला वीडियो है वहाँ पर डिटेल में बताया है। यहाँ पर आप फिर माइनस से अगर प्लस की तरफ आप जाएंगे तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस लिखते चले जाएंगे और आपको केवीएल लगाने पे इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी को फॉलो कर रहा हूँ जो अभी हम लोगों ने यहाँ बातें कही हैं। तो आपको क्या मिलेगा, देखें प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस, और आप देखें तो यहाँ पे 2 करंट फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 लूप में इन्वॉल्व है, लूप 2 में भी है और लूप 1 में भी है, और दोनों की डायरेक्शन देखें तो करंट I1 जो है आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है और I2 जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको क्या करना होगा, V इज इक्वल टू IR, यानी कि R इंटू I1 माइनस I2।
ऐसा क्यों करते हैं कि एक तो अपोजिट है तो हमको माइनस तो करना ही है, आई वन माइनस आई टू करें आई टू माइनस आई वन, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जिस लूप में केवीएल लगा रहे हैं उस लूप की करंट को हमेशा बड़ा माना जाता है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए आई वन माइनस आई टू। फिर आगे हम आएंगे यहाँ पे, तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 3, और करंट अगेन देखें यहाँ पे 2 है, तो आई वन डाउनवर्ड है और आई थ्री जो है इसमें अपवर्ड है, तो जब अपवर्ड है तो फिर से वही करेंगे हम, क्या लिखेंगे आई वन माइनस आई थ्री। फिर और आगे आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखें तो यहाँ माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस 10, क्योंकि वोल्टेज है, हमको केवीएल में वोल्टेज ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, और रेजिस्टेंस कितना है 1 और करंट कितना है आई वन, तो यानी कि आ जाएगा यहाँ पे आई वन इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट लूप की इक्वेशन है। अब इसको अरेंज करेंगे तो देखिए 2i1 यहाँ पे, माइनस 3i1 यहाँ पे i1, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, तो यानी कि हो गया माइनस 6i1 माइनस i2। देखें तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2i2, और i3 देखें तो ये एक i3 यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो 3i3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 10 है, इधर जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से हमको फर्स्ट लूप की इक्वेशन मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लूप के लिए, तो हमको फिर से वैसे ही लिखना होगा अप्लाई केवीएल इन लूप 2। तो हम लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक हमारा जो है करंट सोर्स इस लूप में इन्वॉल्व हो गया, और वो एक ही लूप में इन्वॉल्व है, यानी कि सिर्फ सेकंड लूप में इन्वॉल्व है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी कोई करंट सोर्स एक लूप में इन्वॉल्व होगा और लूप एनालिसिस आप लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि वहाँ पर हमेशा जो है उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी डायरेक्टली डायग्राम से ही। तो आप देखें तो करंट जो है ये फ्लो होके आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद ये जैसे क्लॉकवाइज में ऐसे जाएगी, और यहाँ पर जाने के बाद इस तरीके से फ्लो करेगी, यानी कि इसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम सर्किट डायग्राम I2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, I2 इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पियर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने माइनस 10 क्यों लिखा है, माइनस 10 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर यहां पर यह डायरेक्शन सेम होती तो हम उसको प्लस 10 लिख देते, यानी कि ये एरो अगर सपोज इस तरह से बना होता तो हम उसको प्लस 10 लिख लेते, लेकिन अपोजिट है तो हम इसको माइनस के साथ ही लिखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड लूप में आए तो यहाँ कोई जो है आपका करंट सोर्स नहीं है, तो हमको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना ही करना है। तो देखिए हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे और इक्वेशन हमको मिलेगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें अप्लाई केवीएल इन लूप 3। तो हमने लिख लिया अप्लाई केवीएल इन लूप 3, और अब हम लोग जो है यहाँ पे लूप लगाएंगे। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए प्लस से कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस 4 इंटू, अगेन यहाँ पे देखें तो दो करंट है, I2 आपका जो है राइट से लेफ्ट की तरफ है, और I3 जो है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ है, क्लॉकवाइज है। तो यानी कि आप I3 माइनस I2 दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए I3 माइनस I2। उसके बाद और आगे आएंगे तो प्लस से माइनस, तो माइनस 5, और एक ही करंट है उसमें सिर्फ I3 5 में, तो ये सिर्फ I3 लिख दिया। फिर यहाँ पे आएंगे तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस 3 इंटू I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मैंने थर्ड लूप को फॉलो किया तो हमने थर्ड लूप के ही सिंबल्स को फॉलो किया, फर्स्ट लूप को किया था तो सिर्फ फर्स्ट लूप के सिंबल को फॉलो किया था, यानी कि जिस लूप में रहेंगे उस लूप के ही सिंबल्स को फॉलो करेंगे। फिर अब आगे इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे हम, तो क्या हमें मिल जाएगा, आप देखें तो यहाँ पे I1 का जो टर्म है वो क्या है, 1 है, प्लस का 3I1, माइनस I2 क्या है, 4 यहाँ पर है, एक ही है जगह पे, और ये माइनस यहाँ, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4I2, और I3 देखें तो यहाँ पे माइनस 4 यहाँ पर है, माइनस 5 यहाँ है, तो 5, 4, 9 और 3, 12, यानी कि माइनस 12I3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप देखें तो कोई नहीं है, तो यानी कि इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम इक्वेशन हमें I1, I2 और I3 की जो अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू है हमें मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग, तो हमें यहाँ पे आंसर I1 और I3 की मिल जाएगी, और I2 जो है ऑलरेडी हमको यहाँ पे पता ही है कि I2 कितनी है, माइनस 10 एम्पियर। तो हमने I1, I2, I3 तीनों कैलकुलेट कर लिया है।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन, यानी कि जब भी देखेंगे तो लूप एनालिसिस से आपको करंट मिल जाएगी, लूप करंट। अब आपको क्या करना है, वी नॉट निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट जो है वो 5 वोल्ट के अक्रॉस का, 5 ओम के अक्रॉस का जो है वोल्टेज है। और वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर। तो हम देखेंगे इस रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, तो इस लूप के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ I3 कर रही है, तो I3 कर रही है, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू I3। तो हम यहां पे लिख देंगे वी नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू I3, यानी कि 5 इंटू I3 की वैल्यू कितनी है, -4.285। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो हमें वैल्यू मिल गई -21.425 वोल्ट। तो इस तरीके से हम जो है लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करके जो भी डिटेल आपको कहा जाएगा फाइंड करने के लिए वो आप फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे और भी डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।